टाइम हो रहा है, 11:10 कम है, मम्मी को मिला चुके हैं। मम्मी का फोन बिजी जा रहा है और राज का कल है एग्जाम, तो राज कर रहे हैं ऊपर बैठ के पढ़ाई। और हमारा कमरा सब अस्त व्यस्त है क्योंकि मकान बन रहा है, तो सब इधर भी ये चीज़ खुल चुकी है लेकिन अभी हटाई नहीं है, कल इसमें काम होगा। और वहाँ पे हम खाना बना रहे हैं मेज पे रख के, यहाँ भी सब सामान, टीवी भी रखा हुआ है नीचे। राज की पढ़ाई का है और दिखाते हैं आपको, ये बाहर वाला कमरा है जो कि पहले लोग दूसरा था, और अभी आप देखेंगे ये सब बंद हो चुका है। तो यहाँ पे प्लास्टर नहीं हुआ है, नीचे भी सब ये है। और किचन भी यहाँ पे सब ऊपर से धूल धूल सब आई हुई है, और अभी काम चल रहा है। यहाँ भी टायर से जो है वो चिटक चुकी, मतलब तोड़ी गई है पाइप डालने के लिए, इसी वजह से हमने यहाँ पे शिफ्ट कर रखा है। ये देखिए ये टायर टूटी है, तो ऊपर से पाइप आया हुआ है। और ये देखिए कैसे धूल धूल सी सब जगह आ रही हुई है। ऊपर किचन बन रहा है तो उसी का पत्थर और टाइल्स वगैरह कटती हैं, तो सब सामान ऐसे ही है। अब ये वाला कंप्लीट होगा, उसके बाद ही सफाई करेंगे क्योंकि ये वाला पोर्शन देना है। बात हो चुकी है, देखने आ चुके हैं, आज भी आए थे अपनी वाइफ को लेके। तो मैं तो ये आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, ये गेट अभी नहीं खुलेगा क्योंकि ये ये आज हुआ है ये काम। ये गेट देखिए, आज हुआ तो ये खुलने वाला, और प्लास्टर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी ये सीमेंट और ये सब अभी ये दरवाजा भी आज ही लगा है, और अभी खाली जाली वाला लगा है, वो नहीं लगा है, वो निकला और रखा हुआ है गाइस, यहाँ पे, और वैसे ये दरवाजा यहाँ पे लगा था। ये मम्मी चप्पल और ये रूम और ये सब पूरा बना हुआ है, तो ये रूम और ये किचन, ये रेंट पे उठ, दरवाजा बंद कर लेंगे। तो ये जो लॉबी वाला पोर्शन है ये, और यहाँ सामने मेरे कपड़े रखे गए हैं जो सेल करने के लिए मैं करती हूँ। और ये दूसरा कमरा है, ये कमरा मेरे पास रहेगा, और जो नया कमरा बना है वो मेरे पास रहेगा। तो अभी वो कंप्लीट नहीं है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, धीरे धीरे काम होगा। हमने तो सोचा था होली पे मेरा सारा काम समट जाए, सब सफाई हो जाए अच्छे से, हमारा त्यौहार हो, लेकिन त्यौहार ऐसा पड़ रहा है कि सफाई के बजाय गंदगी हो रही है। और सफाई, और इस बार नाश्ते में हम कुछ भी नहीं बना पाए हैं कुछ भी, क्योंकि कहीं हम लोगों को निकलने निकलने की जगह ही नहीं है। सीढ़ियाँ तो बन रही हैं, ऊपर तो काम चल रहा है, नीचे तो काम चल रहा है, हर जगह काम ही चल रहा है। मैंने आज इतना कह के इनसे, और गाइस मैं और स्कूल वालों ने ये दिया है मुझे 25 रुपए में, ये इसमें ये ड्राइंग बनाते हैं। और मम्मी जरा गाइस ऑडियंस को दिखा दूं मैंने क्या क्या बनाया स्टार्टिंग से। अरे देखा। मैं दिखाऊं तो गाइस हम तो मैं कैमरा मोबाइल पकड़े हुए हैं। स्टार्टिंग में ये मोटू पतलू, और अब ये वो गलत दिखा दिया मैंने, वो एक ये अरे आपको दूसरा दिखा, ये ताजमहल और ये गांधी जी, ताजमहल और गांधी जी, और ये सब ये राज जब खाली टाइम पे होते हैं तो स्केच करते हैं और ये ड्राइंग बनाते हैं। और भी है मेरा गाइस। इतना, आज सुबह से ऐसे मशीनें चल रही थी दीवार काटने हैं, मतलब जो दरवाजे वगैरह निकाले जा रहे थे, दो खिड़कियाँ दो दरवाजे वो निकले हैं, तो मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है, और माइग्रेन, शायद माइग्रेन की वजह से इतनी वॉमिटिंग सी हो रही थी। जस्ट पिया है इनो, उसके बाद में नाटा मार के रोटियाँ सेकती हैं, और खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। जब से फीवर हुआ है तब से इतनी ज़्यादा ठंड होती है, मतलब ठंड लग रही है हमको कि मतलब स्वेटर पहन के या फिर वैसे रहते हैं। आज इस समय तो पूरा बंद है, ठीक है गाइस, तो इस वजह से और मतलब इतना नहीं लग रहा है, वैसे भी जब लेटते हैं तो ओढ़ के ही लेटते हैं हम। गाइस बस ये लास्ट पेज बचा है, ये बाकी सारा तो मेरा ड्रॉ हो गया है, अब बस ये लास्ट पेज बचा है, उसके बाद मेरा सारा डन।
और कल जो है राज का एग्जाम हुआ था तो आपके मसपीस और बार बार पता नहीं क्यों कैमरा हट जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मैं फिर बीमार पड़ूंगी, मेरा बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है। लिख तो राज ओपी वीडियो में इसलिए कल थोड़ी देर वीडियो बनाया था, उसके बाद से मैंने सोचा था कि पूरा वीडियो बनाऊंगी डालूंगी, लेकिन कल नेट भी खत्म हो गया, नेट ही मेरा पूरा नहीं बच रहा है कि मैं सारे वीडियो डाल पाऊँ। और उसके बाद में फिर आज मैंने सुबह थोड़ा सा बनाया था, जब वही खिड़की वगैरह निकल रही थी, उसके बाद में दोपहर भर मैं लेटी रही हूँ क्योंकि इतना सिर दर्द हो रहा था, कुछ कहने नहीं, मैं सोने भी लेटी थी लेकिन ये सोने नहीं देता है। आज मेरा मन लगा वही मशीन इसे हम तो बाहर पास हैं मशीन हम के तो बाद भी मशीन तो दोपहर तक चली लेकिन थी, मम्मी हम तो बाहर से लेकिन घूम रहे थे ना यार तुम मेरे पास लेट के मोबाइल चलाते हो ना तो फिर मुझे नींद नहीं आती। तो क्या क्यों फिर ऐसे काम करते हो? तो वही अभी भी मन कर रहा है मैं चुपचाप लेट के सो जाऊं, सुबह भी इनके मारे जल्दी उठना है क्योंकि कल है इनका एग्जाम, तो उसकी भी फिक्र है। अब मैंने सब रोटियां सेक दी थी, दाल गरम कर दी थी, तब इनको याद आया है कि इन्हें गुड नाइट लानी, क्योंकि मच्छर सब पूरे घर में भरे हुए हैं, मेरे रूम में तो जल रही है ये गुड नाइट, ये लेने गए हैं अभी हो गया होगा 1-1.5 घंटा हो गया होगा, अभी भी लेके नहीं आ पाए, तो ना मैंने जो गर्म किया था वो सब ठंडा हो चुका है। अब देखते हैं एडिट करेंगे डालेंगे वीडियो, और उसके बाद में इन लोगों को खाना देके मैं सो जाऊंगी। गिरोगे बेटा राज नीचे। बाय गाइस। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस बाय।